हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। गाइस आज हम लोग हैं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया में, आप सभी का स्वागत है। गाइस इस वीडियो में आपको सीताकुंड, विष्णु पद मंदिर और सूर्य कुंड का वीडियो देखने को मिलेगा। अब दादाजी लोग फाल्गु तट पर पिंडदान करने के बाद सीताकुंड जाने वाले हैं। सीताकुंड में पिंडदान करने के लिए फाल्गु नदी के बालू की भी आवश्यकता होती है, जिसको 10 और 20 रुपए में बच्चे जगह जगह बेचते हुए मिल जाएंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मान्यता यह है कि गयासुर के शरीर पर पूरा गया नगर बसा हुआ है। अब दादाजी लोग फाल्गु नदी के दूसरी तरफ दूसरे तट पर पिंडदान करके सीताकुंड में प्रवाहित करेंगे। उधर पेड़ वाला मोक्ष है। हाँ वो अगवाल, हाँ उधर आगे चले अब आने चल गया। नहीं भाई बच्चे उसके तरफ झुलवा भी गया। हाँ वो झूला लेके चला तो कहा चले भाई चल भाई चल। हाँ ज्यादा उठा या तब कर या वो नहीं चला। अब वो करीब आधा घंटा समय लगा रहा है। एक के बाद बालू के लगाने तक चले। हाँ आप लोगों को अब हिमालय पर्वत के दर्शन करवाने वाला हूँ। ये हैं तो बादल, लेकिन सिर्फ एकदम एग्जैक्ट हिमालय के जैसे दिख रहे हैं। पिल्ला उठा करके इस स्थान पे उनको बसाना है। भाई एक यार सुना अकुश को हम जो है आप कानों में कुंडाला, क्या कानों में कुंडाला, गले में हार, सब प्राणियों को नमस्कार। गाइस अब हम लोग सीताकुंड जा रहे हैं। सुबह से ही पैदल चलते चलते अब मैं थक चुका हूँ और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा तेज लग गई। यहाँ पे खाने पीने की दुकान नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ आए तो खाने की व्यवस्था करके आए। पंडा अपने पैसा खाती लड़ा रहे, एक दिन एक जने करवाए, दूसर का जने अपने खाती लड़ा रहे। कहें कि एक दिन जब हम करवाए तो तू कहे लेते आप। सीताकुंड सीताकुंड नहीं बगल में ऐसी आसान थोड़ी रहता है।
हम नहीं, हम बहुत गाइस अब थोड़ी देर में हम लोग सीताकुंड पहुंचने वाले हैं। चलो धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे यह है सीताकुंड का प्रवेश द्वार। यहाँ पर पिंड को विसर्जित करना होता है। गाइस अब हम लोग जूस पीने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जूस के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। गाइस यहाँ पर हम लोगों के साथ छल किया गया, मीठा शरबत बोल के नींबू पानी पिलाया जिसमें चीनी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। इसके बाद हम लोगों ने पिया गन्ने का जूस। वो यहीं रुक ले, यहीं रुक ले जा। बुबा बच्चे गलत जाता है, हमें बच्चे सूर्य अब वो है उनका लड़का रुकवावत है। और एक हमें चला करे तेरे पता ही ना आ रहा ना। हम बच्चे रुका रहे, हम कहीं रुका रहे, हम लोग रुकवाए रहे पैसे इतना 10-15 मीटर बिना बात करेंगे पड़ा। अब कर यहाँ भी आ लगी चढ़ाई में, अब लगभग रह चुका हो 5-6 किलोमीटर हो गई होगी, 5 किलोमीटर तो हो गई होगी। और पुल ना ही रहेंगे तो मान लें होकर छोड़ दें, पुल छोड़ने को 5 किलोमीटर हो गए बाबा। दू ओहर रहा 1 किलोमीटर, वो पुल रहा 3। विष्णु पदव खाती फिर यहीं दर चले पड़े,
विष्णुपद पहले सूर्य कुंड फिर विष्णुपद विष्णु। हाँ तीन जगह बा। हम लोग गया की गलियों में घूमते घूमते अब जाएंगे विष्णुपद मंदिर, यहाँ पर दादाजी लोग विष्णुपद मंदिर के पास पिंडदान करेंगे। अब हम लोग विष्णुपद मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मंदिर के बाईं तरफ पिंडदान कराया जाता है। गाइस यह है विष्णुपद मंदिर का पिंडदान स्थल, यहीं पर विष्णुपद मंदिर वाला पिंडदान होगा। यहां पर आपको हिंदी के साथ साथ तमिल, मराठी, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी पिंडदान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कसौटी पत्थर से विष्णुपद मंदिर का नमूना बनाया गया है। यहाँ पर अब मैं दादाजी लोगों को पिंड बनाने के लिए फाल्गुन नदी का जल लेने जा रहा हूँ। यह है विष्णुपद मंदिर जहाँ पर विष्णु भगवान के चरणों की पूजा होती है। यह है विष्णुपद मंदिर का मुख्य द्वार। विष्णुपद मंदिर में पिंडदान पूर्ण होने के बाद अब दादाजी लोग सूर्यकुंड जाने वाले हैं। इसके बाद आपको सूर्यकुंड का पिंडदान दिखाया जाएगा, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ सूर्यकुंड। काम की भाई साहब हालत खराब। गाइस अब हम लोग सूर्यकुंड के पास पहुंच चुके हैं और यह है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड के पास बहुत बड़ा बटवृक्ष है जो सभी पिंडदान करने वाले लोगों को छाया देता है और सभी पिंडदान करने वाले यहीं पर अपने अपने पिंड विसर्जित करते हैं। सूर्यकुंड ये कुंड बहुत ज्यादा गहरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बचाव कार्य के लिए एक बोट की भी व्यवस्था की गई है जो NDRF की तरफ से है। मैंने एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस कुंड की गहराई
लगभग 21 फीट है। अभी आपको एक भैया से मिलवाने वाले हैं जो यहाँ पर गोताखोर का कार्य करते हैं और वह आप सभी को सूर्यकुंड के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। तो आप ध्यान से सुनिए सूर्यकुंड की विशेषताएं। सूर्यकुंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए मुझे। सूर्यकुंड के बारे में ऐसा यहाँ पे जैसा बोला जाता था कि राजा रानिया जो थी ना नहाती थी यहाँ पे, कुआं 5 या 7 थी जी, राजा रानी इसकी नहाती थी जी, यहाँ पे सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्यकुंड गया में स्थित है। ऊपर ऊपर भैया झुलवा दिखा रहा है। अब दादाजी लोग पिंड को बट वृक्ष पर विसर्जित करेंगे। केला खाए के पूर्वज बिगड़ न जाए। धाम बनने कई नहीं यहाँ पर सभी लोग एक साथ पिंड को विसर्जित करके बट वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। पैसा का है उनको नहीं पता, अजीबा पैसा सब कुछ है। पिंडदान विसर्जित करने के बाद अब हम सभी लोग रूम पर जाने वाले हैं। रूम पर पहुंचने के बाद मैं अकेले ही पैदल गया घूमने के लिए निकल गया। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जहां जाता हूं तो वहां घूमता जरूर हूं। मैं जहां जाता हूं वहां का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करता हूं। यहां भी मैं कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ही निकला हुआ हूं। मुझे तो गया बहुत ही शांत शहर लगा। मैं अपने रूम से पार्किंग की तरफ जा रहा हूं। रूम से पार्किंग के बीच में ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे रूम से पार्किंग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले पानी पूरी खाने जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।